हेलो so ट्रेडर्स आज थर्सडे निफ्टी की वीकली एक्सपायरी वैनसे के दिन पे जैसे कि अपडेट आने वाला था कि रेट कट कितना होने वाला है यूएस के फेड की तरफ से तो फाइनली वो अनाउंसमेंट आ चुका है 0.5 से लगभग रेट कट हुआ है 50 बीपीएस के रेट कट हुआ है और उस चक्कर में दो जो और ये वगैरह ने शूट किया फिर लास्ट हमने देखा अच्छा खासा फॉल दिखाया लाइक वहां पर मिक्सड के हिसाब से मोमेंटम था मिक्स के हिसाब से था क्योंकि जो न्यूज आई वो ऐसी न्यूज आई है कि फिफ्टी बेसिस तो अभी उन लोगों ने अभी कट किया हुआ है और प्लस फिर इसी साल के अंदर पच्चीस पच्चीस और ये लोग माइनस करने वाले तो आगे के फ्यूचर प्लांस भी कहीं कही ना कहीं डिस्क्लोज कर दिए हैं कॉन्फिडेंट लग रहा था अब, आ, फैट का चेयरमैन जिस हिसाब से बात कर रहा था हमारा मार्केट जो है गैप ऑफ ओपन हुआ गैप ऑफ ओपन होने के बाद कुछ खास अपसाइड तो मोमेंटम नहीं आया प्रॉफिट बुकिंग होते हुए हमने देखा निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई को ब्रीच किया बैंक निफ्टी ने फाइनली लाइफ टाइम हाई को टच किया कुछ खास उसके बाद तो मोमेंटम देखा नहीं हमने अब कल है लास्ट दिन सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी होने वाला है कुछ इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करनी है दो को कंपेयर किया जा रहा है करंट जो रेट कट हुआ है क्योंकि दो ऑलमोस्ट uh, यहाँ पर दो uh, की हम कंपेयर करके देखते तो सेम चीजें हुई थी वो टाइम भी अठारह सेप्टेम्बर को रेट कट हुआ था उसके बाद मार्केट फॉल हुआ था तो चलिए डिटेल हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर

और लाइक चांस आप बोल सकते हो कि 18 सितंबर को ही रेट कट किया गया था बाय 50 बेसिस ओके बेसिस जो भी बोलते हैं अब इशू क्या है उसके बाद यह हुआ था कि लगभग 60 60 कैलकुलेशन है कि 60 निफ्टी में फॉल आया था अब लोग यही सोच रहे हैं कि इतना को कैसे हो सकता है कि एटीन को कोई हुआ था फिफ्टी बेसिस हुआ था तो मतलब अपना मार्केट भी लाइफ टाइम हाई पे है और सिक्सटी के आसपास निफ्टी फॉल किया था तो ये बार भी कर सकता है तो थोड़ा कॉशियस हो जाओ राइट अब देखो वो टाइम पे और आज के टाइम में फर्क क्या है पहले अपने को वो समझना पड़ेगा जो मेजर फर्क है वो ये है कि अब अब के जो जो की बार हम लोग पर एज एज एन एन रिटेल 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 ट्रेडर्स वो ट्रेडर नहीं इन्वेस्टर्स आप बोल सकते हो वो काफी ज़्यादा पावरफुल है कंपेरटिवली दो के ठीक है 2008 में इंफॉर्मेशन कम होती थी लोगों में पैनिक होता था अभी जस्ट इस छ सात साल पहले 2001 का डॉट डॉट कॉम मोबाइल हम लोगों ने देखा था तो कहीं ना कहीं एक पैनिक वाला सिचुएशन जिस हिसाब से था तो मार्केट संभल नहीं पाया था ओके अब अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो 2020 में हमने पैनिक देखा है सेल ऑफ देखा है अब कैसा है ना थॉट्स क्लियर है कि बस इन्वेस्टमेंट करना है मार्केट को लॉन्ग रन में ऊपर की तरफ जाना है ये हर किसी को क्लैरिटी हो चुका है एज एन इन्वेस्टर के हिसाब से इनफैक्ट पीपल आर वेटिंग फॉर मार्केट फॉल की मार्केट फॉल करे और हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें लगभग दो लाख करोड़ दो लाख करोड़ म्यूचुअल फंड के पास कैश पड़ा हुआ है टू इन्वेस्ट इन मार्केट तो इतना इजीली होगा नहीं जो पहले हो चुका है ध्यान रखो मार्केट का काम है हमेशा सरप्राइज देना ऐसा प्री प्लान ये कैलकुलेशन आपने कर दिया और मार्केट ने वैसा रिएक्ट किया 90 परसेंट ऑफ द टाइम ऐसा मार्केट नहीं चलता है अब यहां से होने की प्रोबेबिलिटी क्या है देखो जैसे अगर आपने एक ध्यान दिया होगा लेट से कोई स्टॉक है आपने सौ रुपए में बाई किया ठीक है अब वो लेट से एटी रुपीज आ गया अज्यूम करते हैं कि आपने मंडे के दिन पे उस स्टॉक को बाई किया हंड्रेड रुपीज में अब वो वो ट्यूजडे के दिन पे या वैनजडे के दिन पे एटी रुपीज़ के आसपास आ गया अब आपका प्लान था इनिशियली कि 120, 130 में आप निकालोगे 20, 30 परसेंट के आसपास प्रॉफिट बुक करोगे अब हुआ ये कि नेक्स्ट एक दो दिन के अंदर वो एटी रुपीज़ आ गया इनफेक्ट ट्वेंटी परसेंट के आसपास फॉल आ गया उसके अंदर अब होता क्या है होता ये है कि हम वेट करते हैं कि चलो एटलीस्ट हंड्रेड रुपीज़ के आसपास आ जाए तो हम लोग कॉस्ट के आसपास निकल जाए राइट ये, ये बेसिक थिंकिंग है हम एज एन ह्यूमन हम ऐसे सोचते हैं तो जैसे ही वो सौ रुपये पचास पैसा या एक सौ के आसपास आ जाता है तो हम उसको एग्जिट कर देते हैं करेक्ट आप अज्यूम करते हैं कि 101 पे हमने एग्जिट किया फिर नेक्स्ट वीक नेक्स्ट नेक्स्ट मंडे पे वो गैप अप खुलता है और सीधा 110, 110 115 के आसपास चलता है आपने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि वो 10 परसेंट पंद्रह परसेंट चल गया और आपकी जो थिंकिंग है आपका जो कॉस्ट था वो सौ पे के आसपास है तो आप इससे इसके साथ अटैच हो गया करेक्ट लेट्स से ट्यूसडे के दिन पे आपने देखा एक सौ बीस एक सौ का लेट्स कंसीडर करते एक तीस रुपये के आसपास गया जो आपका टारगेट था अब तो आप इसको बिल्कुल नहीं देखोगे वो डेढ़ सौ रुपये आ गया अब आप क्या करोगे अब आप फोमो में आ जाओगे तो जैसे ही आप फोमो पे आ गए आपने एंट्री किया फिर नेक्स्ट ट्यूजडे वेन्सडे के दिन पे एक सौ बीस रुपए के आसपास आ गया तो ये है हमारा स्टॉक मार्केट तो ये आपको इससे आपने क्या सीखा इससे आपको ये सीखना है कि जब भी हम जो सोचते हैं मार्केट वो ऑलरेडी फैक्टर कर चुका होता है और हमको वो साइकोलॉजिकल हिट करने की कोशिश करता है तो दिस इज वॉट अवर मार्केट इज अब यहां से कैसा है कि हमारे पास लेट से टोटल सौ लोग हैं मार्केट के अंदर पचास परसेंट लोग प्रॉफिट बुक करके बैठ गए आपका अब वो वेट करें कि मार्केट फॉल हो राइट right? दूसरे जो लोग हैं दूसरे जो लोग हैं लेट से वो इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट फॉल करेगा तो मैं और ऐड करता हूं या लेट से थोड़ा बहुत वो नीचे की तरफ जाएगा मार्केट तो वो एग्जिट कर देगा जो उसके पास ऑलरेडी माल पड़ा हुआ है राइट 50 परसेंट लोग वो हो गए अब इस केस में यहां पर क्या है यहां पर फिफ्टी फिफ्टी वाला केस है यहां पर क्लैरिटी नहीं है कि यहां पर फोमो नहीं है ठीक है फोमो क्रिएट नहीं हो रहा है लेट्स पैनिक क्रिएट नहीं हो रहा है यहां पर तो कुछ भी नहीं है एज ऑफ नाउ वो इसका जस्टिफिकेशन अपने को कहां से पता चल रहा है अगर आप इंडिया विक्स उठा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो बारह तेरह के आसपास ही भटक रहा है कब से अगर फियर होता मार्केट के अंदर तो ये कहीं कही ना कहीं ऊपर जाते हुए दिखता तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आने वाला टाइम थोड़ा सा टफ आने वाला है वॉलिटिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगा मार्केट के अंदर जैसे ही थोड़ा बहुत फिर ब्रेकआउट होना स्टार्ट हो गया अज्यूम करते हैं कि छब्बीस के आसपास निफ्टी अपना आ गया लोगों ने जिसको बाय करना था उसने बाय नहीं किया फोमो में आके बाय किया फिर जाकर मार्केट यहाँ पर गिरेगा या प्रॉफिट बुकिंग वगैरह अच्छी खासी होगी डायरेक्टली कल गैप डाउन हो जाए बहुत बड़ा फॉल हो जाए देखो ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता बट कैलकुलेशन ये कहती है कि कहीं ना कहीं एक बार फोमो क्रिएट होगा और फिर मार्केट नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होगा एक बार ट्रैप करने के बाद लॉन्ग शोरी शॉर्ट मुझे ये बोलना है आपको यहाँ पर ठीक है अगर आपने ये भी ध्यान दिया होगा छब्बीस सितंबर वाले जो निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने आपको कल भी दिखाए थे फिन निफ्टी का भी आपको मैंने कल भी दिखाया था टेलीग्राम पर मैं कंटिन्यू इस चीज़ों को डाल रहा हूँ कि छब्बीस सप्टेम्बर वाले जो हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर पुट ऑप्शन जो है अपने यहाँ पर अच्छे खासे शॉर्ट किए गए हैं छब्बीस हजार का कॉल शॉर्ट किया हुआ है पहले पच्चीस हजार वाले जो कॉल राइटर्स थे अब वो छब्बीस हजार पे शिफ्ट हो चुके हैं तो मतलब कहीं ना कहीं इस जोन के अंदर अंदर ही ये लोग एक्सपायर कर सकते हैं छब्बीस सितंबर वाली एक्सपायरी साथ में यहां पर अगर आप आग डेटा उठा के देखोगे साथ में अगर आप यहां पर देखते हैं इस लेवल्स पे देखो मैंने आज लिखा हुआ है कितने बजे नाइन एक्सट्रीम पी राइटिंग चल रही है यहां पर आप डेटा उठा के देखो क्या दिख रहा है यहां पर बैंक निफ्टी का फिफ्टी का पुट ऑप्शन राइट right. क्या हो रहा है यहाँ पर ओवा चेंज होते जा रहा है यहाँ पर आप देखिए 53,300 थ्री थाउजेंड का पुट ऑप्शन क्या हो रहा है यहाँ पर कभी की एक्सपायरी है पच्चीस सितंबर की ये आपको ओवाई चेंज होते हुए दिख रहा है मतलब यहाँ पर एड ऑन होते दिख रहा है प्रीमियम नीचे की तरफ जाते दिख रहा है अपने को अच्छा 53,200 का पुट यहाँ पर अगेन ओवा ऐड होते हुए दिख रहा है यहाँ पर प्रीमियम जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर नीचे की तरफ जा रहा है सेम चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है अगर आप ध्यान देंगे एक्सट्रीम पी राइटिंग चल रहा है इन ऑल इंडेक्स दिस इज नॉट अ गुड साइन मार्केट इज लुकिंग ओवर कॉन्फिडेंट नाउ एट दिस लेवल तो या तो यहां से देखो मैंने क्या लिखा हुआ है या तो ये लोग आज साइडवेज करके कंट्रोल करेंगे अगर पैनिक होता है तो फिर मैसे पैनिक हो सकता है इन लोगों ने, लोग ने क्रिएट ही नहीं करने दिया मार्केट में पैने के लोगों ने ही नहीं करनी है क्योंकि हर कोई रेडी है सिक्सटी परसेंट फॉल होगा सिक्सटी परसेंट फॉल होगा तो वो तो होने नहीं वाला भैया जब तक ये मार्केट अपने को टैप नहीं करेगा तब तो तक इतना ईजिली मुझे नहीं लगता है कि गिरने वाला है बात करते भी कल के लिए ओवरऑल जो इसके लिए आपने वीडियो को क्लिक किया हुआ उसके ऊपर हम बात करते हैं यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विद द बैंक निफ्टी फर्स्ट बैंक निफ्टी का क्या सिचुएशन है तो देखो बैंक निफ्टी यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा है ओके okay? अब कल फ्लैटिश खुलता है हल्का फुल्का गैप अप खुलता है फिफ्टी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड उसके बाद इसका नेक्स्ट रिजेक्शन है फिफ्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एंड लास्ट वन एज फिफ्टी थ्री थ्री फिफ्टी सिंपल नीचे के साइड सेलिंग करना है तो यहां देखो ये वाला जोन रिजेक्शन आया नीचे की तरफ यहां पर फिर गैप अप खुला इसी जोन पे सपोर्ट लेने की कोशिश पहले रिजेक्शन अब सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा कौन सा जोन है फिफ्टी इसको ब्रेक डाउन करता है तो इसका पहला सपोर्ट यहां है फिफ्टी उसके बाद फिर 52,470 के आसपास हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं ध्यान रखिएगा मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपको यहाँ पर कर रहा हूँ 26 सितंबर मतलब निफ्टी की मंथली एक्सपायरी इसके पहले अगर आप लेट से आज 100 लॉट्स के ऊपर काम करते हो तो 20 30 लॉट के ऊपर काम करो अगर आप 10 लॉट में काम करते हो तो एक या दो या तीन लॉट्स में काम करो जिस हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का गैप यहां पर दिख रहा है ये लोग बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हुए यहाँ पर ट्रैप करने के मुझे मूड में दिख रहे हैं राइट थिंग ऑलरेडी दबा के हो रुकी है यहाँ पर तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बायर के लिए ये आने वाला छह सात दिन थोड़ा सा तकलीफ से गुजरने वाला है ध्यान रखिएगा इस पॉइंट पे अनटिल एंड अनलेस कोई बड़ी न्यूज आती है मेजर पैनिक क्रिएट नहीं होता मार्केट में ये लोग अपने को मंथली एक्सपायरी तक कन तंग करने के लिए लगभग लगभग तैयार हो चुके हैं तो ध्यान रखिएगा मिस्टेक मत करना पैसा बचेगा आज आपका दिन कैसा क्या कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए बात करते हैं निफ्टी की तो निफ्टी हमने कल के दिन पे भी डिस्कस किया था सेम वही लेवल निकल के आता है क्यों क्योंकि अगर मैं यहां सेल करता हूं तो यहां पर क्या गैप है बीस तीस पॉइंट का गैप है इससे अच्छा में मेजर सपोर्ट जो है वो ब्रेक करेगा तो फिर मैं प्लान आउट कर सकता हूँ थ्री के नीचे पहला सपोर्ट लेवल ट्वेंटी उसके बाद ट्वेंटी एंड ट्वेंटी के आसपास हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्लैट या गैप अप खुलता है तो यहाँ इस जोन पे देखिए ये डबल बॉटम पैटर्न या लेट्स से आप इसको एंगल बोल सकते हो ये क्रिएट किया गया है तो एक बार को अगर ब्रेकआउट करता है तो अपने को एक छोटा सा स्केल्प मोमेंटम मिल सकता है फोर सेवेंटी को ब्रेक करता है तो ट्वेंटी फाइव फाइव थर्टी एंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स वन जीरो के आसपास हम निफ्टी को ट्रैवल करते हुए यहाँ पर देख सकते हैं सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है कल के दिन पर तो ये कौन से यहाँ पर देख लीजिए ये अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसको मार्क इन रिस्पेक्ट अभी आपको समझ में नहीं आएगा ट्रेंड लाइन बट अगर आप इसको ध्यान से देखो सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया आज गैप अप खुला इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है तो अपने को इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है इसको इंपॉर्टेंस देना है ध्यान से देखिए मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ आपके लिए यहाँ देखिए मैं इस ट्रैंड लाइन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ ट्रैंड लाइन तो एक वन ऑफ द फैक्टर बैठेगा ये इंपॉर्टेंट है यहाँ ठीक है ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बैठा हुआ है जो कि है एट्टी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड इसको ब्रेक डाउन करता है देन वी कैन एक्सपेक्ट यहाँ पर आ, सबसे पहले एट्टी टू थाउजेंड नाइन नाइन्टी एंड उसके बाद फिर एट्टी टू थाउजेंड एट वन जीरो के आसपास अपना सेंसेक्स ये नीचे के लेवल्स को ट्रेवल टच कर सकता है ऊपर साइड अगेन यहाँ से इसने ब्रेकडाउन किया ठीक है ये पहले वाला लेवल ही हमको दिख रहा है ब्रेकडाउन किया रीटेस्ट अब यहाँ पर इस लेवल पे पर रिजेक्शन फेस कर सकता है अगर रिजेक्शन फेस नहीं करता है एट्टी को ये ब्रेकआउट करता है तो इसका फिर नेक्स्ट रिजेक्शन लेवल है 83,520, देन वी कैन एक्सपेक्ट 83,770 के आसपास अपना सेंसेक्स ट्रेवल कर सकता है अगर आपको ऑप्शन के लिए डिटेल में सीखना है नॉलेज नहीं है कंबाइंड डेटा क्या होता है लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है मल्टीपल ऑप्शन चेंलिसिस को कैसे रीड करते हैं एक डायरेक्शन को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स को देखते हुए तो आप डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर लीजिएगा डिटेल में हम चीजों को डिस्कस करने वाले हैं आने वाले सिक्स ऑफ अक्टूबर के सेशन में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा थैंक फॉर वॉचिंग विल इन द नेक्स्ट वीडियो